गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। आरटीआई एंड वैकेंसीज इन आईबीपीएस, ए गेम इज गोइंग ऑन। पीपल फाइल आरटीआई, दे गट सम इंफॉर्मेशन, दे सेंड इट टू द डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीपल समटाइम फील चीयरफुल, समटाइम दे गेट इन टू सोरो एंड थिंग्स गोज ऑन एंड टाइम पास एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन। Now, nobody is sure whether the person who has filed the RTI is a genuine person, the PDF which is in circulation is genuine or non-genuine. All these things are going on. One thing I will advise each one of you, have patience. Vacancies are more than declared because number of banks added the vacancies, that is for sure. But if you want to react to every news, it will only give you happiness temporarily or sorrow temporarily. Now somebody sent me a message that there is a flash message going on that his relative is working in IBPS, he is telling this. All these things are just to deflect people from real issues. Real issue is, the result will come the moment IBPS office is open. Fingers are crossed for Monday. Some people say it may open, some people are saying it may not open. The real position we will come to know only on Monday, because certain relaxations are going to come in effect from Monday. Maharashtra government has to take a call and tell what type of relaxations will be available for Mumbai. Accordingly, IBPS office fate will be known. So it is matter of one more day. Have patience. I will gather the information, and as and when I get some authentic information, because our channel is Right Advice at Right Time, I will share with you. Till that time, all the best. God bless you all. Good news will come, rest assured. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। एक बहुत जबरदस्त बात चल रही है, आरटीआई आता है, खुशी आती है, गम आता है, आरटीआई आता है, खबर आती है, किसी को नहीं पता ये आरटीआई की जो पीडीएफ है सही है गलत है, किसने पेश की किसने नहीं पेश की। कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे आरटीआई की रिप्लाई भेज रहे हैं, उन्होंने खुद ये आरटीआई अप्लाई करी थी, उसको मैं जेन्युइन मान सकता हूँ। पर कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं कोई टेलीग्राम ग्रुप से मिल गया, कोई किसी ग्रुप से मिल गया, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? किसको पता है कि जो वहाँ पर साइन है वो किस व्यक्ति के हैं, वो उस बैंक के हैं कि नहीं है? आप एक एक बैंक में जाके कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे? तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ों से आप बचें, और अननेसेसरी ना तो कोई गमी मनाए ना खुशी मनाए। ये तो पक्का है कि वैकेंसीज ज़्यादा है डिक्लेयर्ड से। जहाँ तक क्लर्क का सवाल है, पीओ का सवाल है, एसओ के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं है। इसलिए जो भी पोजीशन है सबके सामने आएगी। अब दूसरा प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके बहुत लोगों में चिंता है। आज भी कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें पता लगा है मंडे से वो खुल जाएगा ऑफिस। देखो, अगर आईबीपीएस ऑफिस खुल जाता है तो रिजल्ट आपका आएगा। अब सोमवार से कुछ रिलैक्सेशंस लागू होनी है लॉकडाउन 4 के अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई के लिए क्या वो डिसीजंस देता है, क्या क्या चीज़ परमिट होती है, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, दिल्ली में कई चीज़ें परमिट होने जा रही हैं, पंजाब में बहुत चीज़ें परमिट कर दी हैं पंजाब गवर्नमेंट ने मंडे से। ऑल्दो लॉकडाउन 31 तक एक्सटेंड हो गया वहाँ भी, पर दुकानें खोल दी हैं वहाँ, बहुत चीज़ें अलाउ कर दी हैं। विद इन स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं। दिल्ली में भी मेट्रो और डीटीसी बसेस के बारे में सेलेक्टेड रूट्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस के साथ दुकानें खोलने का, इस तरह के कई विचार आ रहे हैं। अब एक्चुअल पिक्चर क्या होगी ये 19 को ही पता लगेगा। तो खुश रहिए और सोचिए अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा, इतनी टेंशन मत रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।